तो भाई लोग एसआरके और प्रभास की बकचोदी पीक पर चल रही है और आखिरकार सलार एंड टीम ने कंफर्म कर ही दिया कि आएंगे तो एसआरके के साथ ही, लड़ेंगे तो एसआरके के साथ ही और कंपटीशन करेंगे तो भी एसआरके के साथ ही। तो चलो यार हमारे पास कुछ काम नहीं है तो आज हम बात करेंगे इन दोनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो क्या देखो यार आज हम दोनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का एनालिसिस करेंगे, लेकिन यार आज सलार पर मैं वीडियो बना रहा हूं तो डंकी का मैं बाद में करूंगा, लेकिन आज हम सलार की बातचीत करेंगे। तो भाई लोग सलार के 5 पॉइंट मैं आपको गिनाऊंगा जिसे देखकर आप भी कहोगे कि हां भाई सलार में ताकत तो है कि वो डंकी को पिछाड़ सके, लेकिन यार ये बस उम्मीद ही मान के चलो, ये कुछ कंफर्म नहीं है। तो चलो यार शुरुआत से शुरू करते हैं। तो भाई लोग 5 पॉइंट की शुरुआत करता हूं पॉइंट नंबर 1 से। तो पॉइंट नंबर 1, सलार इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। तो भाई साहब ये बात तो मान के चलो कि यूनिवर्स की मूवी फ्लॉप नहीं होती। हां वो डीसी की बात छोड़ो, लेकिन मार्वल की आप एग्जांपल ले सकते हो कि मूवीज, क्योंकि यूनिवर्स की मूवी ज्यादातर फ्लॉप नहीं होती। और भाई साहब सलार यूनिवर्स का पार्ट है और वो यूनिवर्स भी ऐसा वैसा नहीं है, मॉन्स्टर यूनिवर्स मतलब केजीएफ का वो अगला पार्ट है। तो ऑडियंस चाहती है, ऑडियंस के बीच में हाइप बन चुकी है कि भाई साहब इस यूनिवर्स की अगली मूवी कौन सी आए और हम अगली मूवी कौन सी देखें। तो ये बात डंकी के साथ नहीं काम करती, इसी के लिए मैं सलार को एक पॉइंट देना चाहूंगा। पॉइंट नंबर 2, सलार हैज ऑल इंडिया सपोर्ट। तो भाई साहब ये बात तो मान के चलो कि प्रभास कुछ भी कर लो आप, लेकिन वो स्टार तो बहुत बड़ा है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। उसकी मूवी कितनी भी फ्लॉप होने दो लेकिन उसका स्टारडम अनमैचेबल है, नहीं मतलब एसआरके से टक्कर नहीं ले सकता हो, लेकिन उसकी साउथ में जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत ज्यादा है। ये बात तो तय होती है कि जो बंदा जहाँ से होता है उसकी फैन फॉलोइंग वहाँ से होती है, तो बंदा साउथ का है इसीलिए उसकी फैन फॉलोइंग वहाँ पर बहुत है। और ये बात डंकी के साथ काम नहीं करती, डंकी को साउथ से बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिलेगा, ये बात मैं आपको पहले बता देता हूँ कि कोई क्या बॉलीवुड की कौन सी मूवी को साउथ से सपोर्ट नहीं मिलता है। लेकिन सलार एंड टीम जो है, सलार की जो टीम है प्रभास है, उसे साउथ बेल्ट से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। वो मूवी अगर अच्छी निकल जाती है तो, और खराब निकलती है तो वो भी अच्छे से पेल देंगे इसे। पॉइंट नंबर 3, तो मेरे पास दो ज्यादा पॉइंट नहीं है इसलिए मैंने दूसरे पॉइंट को तीसरे में कन्वर्ट कर दिया। तो हाँ पॉइंट नंबर 3, सलार हैज प्रभास। तो भाई साहब सलार एंड टीम के पास प्रभास है, ये बात मैंने आपको पहले भी बोल दी कि साउथ में सबसे बड़ा स्टारडम प्रभास का ही चल रहा है, तो इसलिए यार उसकी मूवीज की हाइप बनती रहती है। प्लस पॉइंट है कि सलार एंड टीम के पास प्रभास है, अगर सलार में कोई दूसरा एक्टर होता तो शायद ये बातचीत आज नहीं चल रही होती, लेकिन सलार के पास प्रभास है तो इसलिए ये क्लैश भी हो रहा है और इसलिए क्लैश बहुत बड़ा भी बन चुका है। और भाई साहब ये क्लैश बड़ा बनने का कारण भी फैंस ही है। सालो तुम्हें ने कहा था ना कि जवान से सलार डर गई, तो लो फिर वो तुम्हारे कान में मुतने आ गए, लेकिन यार जो है वो ठीक है। पॉइंट नंबर 4, यार ये पॉइंट तो मैं भी मानता हूँ कि ये पॉइंट काम कर रहा है आजकल, क्योंकि यार ये बात आप मान के चलो कि इस वक्त इंडियन सिनेमा में सिर्फ मास सिनेमा चल रहा है, क्लास सिनेमा चल रहा है, लेकिन मास सिनेमा की जो फैन फॉलोइंग ज्यादा है कि भाई साहब बंदों को कुछ भी दिखा दो, एक बंदा 100 बंदे भी उड़ा दे, लेकिन यार मास सिनेमा नाम पे चलता है, जी गया मान जो ना, लेकिन सब चलता है, इसलिए लोग भाई चलो मास सिनेमा बन रहा है, मास 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 करके एक थिएटर पैक कर देती है। तो पॉइंट सलार के साथ जुड़ जाता है क्योंकि इस वक्त मास सिनेमा रूल कर रहा है, तो इसका फायदा सलार एंड टीम को जरूर मिलेगा। भाई लोग फिर से मेरे पास पॉइंट की कमी हो गई थी, लेकिन मुझे वीडियो थोड़ा लंबा बनाना था इसलिए मैंने आपको एक बोनस पॉइंट में डाल दे रहा हूं। तो हां पॉइंट नंबर 5, यश का कैमियो। भाई साहब अगर यश का कैमियो हो जाता है तो भाई साहब मैं ये नहीं बोलूंगा कि मूवी का कलेक्शन डबल हो जाएगा, लेकिन यूनस की कंफर्मेशन भी हो जाएगी और ये जो मूवी का जो बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल है उसको थोड़ा बूस्ट मिल जाएगा, जहां पर वो 50 हो सकता था वहां पर वो 70 हो जाएगा। तो भाई लोग अगर यश का कैमियो होगा तो मूवी का बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल भी बढ़ेगा, मूवी की हाइप भी बढ़ेगी और बंदे देखने भी जाएंगे। तो भाई लोग यही कुछ कारण थे जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। ये बात मान के मत चलो कि मैं सारे का हेटर हूं, डंकी का हेटर हूं, मैंने इस वीडियो डंकी पर ही लाऊंगा। तो भाई लोग वीडियो पसंद है तो लाइक कर दो, बहुत पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।